एमपी और राजस्थान में ड्रग्स तस्करी गैंग का लीडर कमल राणा को पुलिस ने 19 जून को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब इसमें पुलिस की मिलीभगत के बड़े खुलासे हो रहे हैं। कमल और उसके साथियों से पूछताछ में सामने आया है कि एमपी और राजस्थान पुलिस इनकी मदद कर रही थी। इसके बाद राजस्थान से डिप्टी एसपी सहित 4 कमल राणा पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है, जबकि एमपी के 6 पुलिस कर्मियों की भूमिका भी संलिप्त मिली है, जिसमें 1 एएसआई व 5 कांस्टेबल हैं। सोमवार को इनकी रिपोर्ट नीमच एसपी को भेजी गई है, जिसमें केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के कुछ पुलिस कर्मी भी शामिल है। सोमवार को पुलिस ने प्रतापगढ़ में इस गैंग की मदद करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं एसपी अमित बुड़ानिया ने बताया कि भारत सिंह, हस्तिमल सुतार, सुदीप कुमार और तूफान सिंह से ड्रग्स तो नहीं मिले, हालांकि इन लोगों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि यह ऐसा पहला मामला है जब बिना रिकवरी एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की गई। बता दें कि गैंग दिल्ली से लग्जरी कारें चुराते थे। वहीं 10 से ज़्यादा जिलों में 28 लाख रुपए के साथ प्रतापगढ़ 48 बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है। इनसे कुछ ही महीनों में चित्तौड़गढ़ में पकड़े गए कईयों का ट्रांजेक्शन में करोड़ों में था। इधर एमपी बॉर्डर पर मादक पदार्थ तस्करी के बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। मुख्यालय स्तर से मॉनिटरिंग की जा रही है।